नहीं, इस बार तो आपको मानना पड़ेगा आपकी स्क्रिप्ट फेल हो गई मोटा भाई। कोशिश पूरी की गई थी इस मैच को भी लास्ट ओवर थ्रिलर बनाने की और पॉइंट्स टेबल में फिर से खिचड़ी जमाने की, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है मोटा भाई, कभी कभी धोनी से भी सिक्सेस नहीं लग पाते। हम समझते हैं, मैच अच्छा था, हमें मजा आया बहुत। कौन है आपका पागल भाई? अरे बाप रे, ये तो मजनू भाई है। कौन मजनू भाई? बहुत बड़ा डॉन है भाई। देखो दोस्तों, फंडा सिंपल था, पंजाब और दिल्ली का मैच था, वैसे भी कहां उतने लोग देखने वाले थे, इसीलिए इंटरेस्टिंग बनाना तो बनता ही था ना। तो सवाल ये है कि क्या किया जाए, मैच को आखिरी ओवर तक लेके जाया जाए, लास्ट ओवर में 33 रन 2 विन, छक्के चौके एकदम फ्री में बटेंगे और नो बॉल स्वाद अनुसार, परफेक्ट रेसिपी फॉर अ लास्ट ओवर थ्रिलर बाय आवर वेरी ओन मोटा भाई। ये तो भाई रिंकू सिंह और अब्दुल समाद वाले मैच की स्क्रिप्ट को मिक्स करके एक नई स्क्रिप्ट बनाई गई है लिविंगस्टन के लिए, बट फिर भी फेल हो गई। होता है, कोई बात नहीं। वैसे मोटा भाई थैंक यू, आपने मेरी प्रेडिक्शन सही कर दी यार। भाई दिल्ली कैपिटल्स को मान गए यार, पूरी कोशिश करी उन्होंने मैच हारने की, 3-4 कैचेस ड्रॉप कर दी, 2-3 रनआउट्स मिस कर दिए और नो बॉल तो आनी ही थी भाई। 33 नीडेड ऑफ 6 के स्कोर को 16 नीडेड ऑफ 3 पे ले आए ये लोग। दिल्ली की टीम तो एकदम स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रही थी, यॉर्कर की जगह फुल टॉस भी आ रही थी और नो बॉल भी टाइम पे पड़ी। ये तो भाई ईशान शर्मा की किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि लिविंगस्टन ने बल्ला घुमाया और 6 नहीं लगा, वरना ईशान भाई स्पॉइलर अलर्ट, अगले साल आप अनसोल्ड जाने वाले थे। मौत को छू के टक से वापस आ सकता यार। ये पंजाब किंग्स को जीतने से क्या एलर्जी है मोटा भाई, ने जीत इनको थाली में परोसी थी लेकिन ये फिर भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। देखो एक होते हैं छोटे मोटे स्कैमर, फिर आते हैं विजय माल्या और फिर आते हैं आईपीएल के थर्ड अंपायर्स। इनके नो बॉल के रूल्स तो सिंगल लड़कों के क्रश से ज्यादा जल्दी बदलते हैं। ये फेयर डिलीवरी है लेकिन बोरिंग मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये नो बॉल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बट सीरियसली भाई, एक बार को मजाक से हटके लिविंगस्टन के लिए एक्चुअली में बुरा लगता है, चाहे हमें स्क्रिप्टेड ही लग रहा हो लेकिन उसने अपना फुल एफर्ट दिया। देखो पूरी जान लगा दी उसने मैच को इतना क्लोज लाने में जो कि एक पॉइंट पे इम्पॉसिबल लग रहा था पंजाब के लिए, एकदम हीरो वाली इनिंग्स खेल के गया। और प्रीति जी मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, माना मैच हार गई लेकिन यार एक हग तो अपना लिविंगस्टन भी डिजर्व करता है ना इस बात के लिए। तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। लेकिन भाई एक और सीजन निकल गया अपनी प्रीति जिंटा को डिसअपॉइंट होते होते देख। दिल्ली ने बोला हम तो डूबे हैं सर, हम इनको भी साथ लेके डूबेंगे, तो पंजाब की भी क्वालिफिकेशन चांसेस डुबा दिए। भाई प्रीति जिंटा जैसी एक लॉयल लड़की तो हर लड़का डिजर्व करता है ना अपनी लाइफ में, हर साल ये टीम इसे कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंट करती आ रही है। लेकिन हम जानते हैं भाई अगले साल फिर से जिंटा जी आ जाएंगी और भी जोश के साथ अपनी टीम को एक बार फिर से सपोर्ट करने, एक नए कैप्टन और 20 करोड़ के प्लेयर के साथ। वहाँ काव्या को सुख नहीं है और यहाँ प्रीति की निराशा खत्म नहीं होती। यार सुंदर लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है गाइस? और वार्नर भाई आपको स्क्रिप्ट मिली थी तो कुलदीप भाई को भी तो दे देते, बेचारा वो बार बार विकेट के चांसेस क्रिएट करे जा रहा था और टीम इतनी आसान कैचेस छोड़ रही थी, इससे ज्यादा ऑब्वियस क्या हो सकता था। लग रहा था कुलदीप भाई की कल किस्मत इतनी खराब है कि ये बोल्ड भी कर दे तो भी नो बॉल हो जाएगी। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। एक स्क्रिप्ट अपने मोटा भाई लिख रहे थे और एक स्क्रिप्ट साई बाबा ने लिखी हुई थी। देर है दोस्तों लेकिन अंधेर नहीं, इस बारे में एक स्टोरी आने वाली है पृथ्वी शॉ के इंस्टाग्राम पे, चेक कर लेना। फाइनली पृथ्वी भाई कांग्रेट, सीजन खत्म होते होते आपका भी फॉर्म वापस आ गया, अब इस इनिंग्स के बेसिस पे अगले एक साल का कॉन्ट्रैक्ट पक्का। इतनी इनिंग्स के बाद मुश्किल से बंदे ने रन मारे और सेलिब्रेशन देखो भाई की, कोई डीकोड कर दे तो कमेंट कर देना भाई ये एम है या डब्ल्यू है, ये गिनवा रहे हैं कि अगली 50 कितनी इनिंग्स के बाद आएगी। एक सेकंड, ये कब हुआ? पार्टी बदल लिया। अब देखो इंस्टाग्राम की बात हो गई है, तुम्हें पता है मैं अपना इंस्टाग्राम प्लग करने वाला हूँ, तो उसको पहले जाके फॉलो कर लेना। वैसे तुम में से बहुत लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा होगा भाई, वो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे मीम्स मिल जाएंगे वहाँ पे तुम्हारे लिए और मैच के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग पोल्स, क्वेश्चंस या पोस्ट डलती रहती है, एक बार जाके देखो मजा ही आएगा। आ रहा है मुझे रियान पराग पे भी एक जोक आ रहा है भाई, अब तो पृथ्वी शॉ ने भी 50 मार दी, तेरा खून कब खोलेगा रे रियान पराग। भाई अगले मंडे से प्लेऑफ शुरू है और अभी तक हमें यही नहीं पता कि हमारी टॉप 4 टीम्स कौन होने वाली है, बट इतना पता है कि अगर आज आरसीबी मैच हार जाती है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लखनऊ और सीएसके दोनों डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएंगे, और अगर आरसीबी ये मैच जीत गई तो टॉप 4 में तो आ ही जाएगी लेकिन क्वालिफायर 1 के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन मोटा भाई आप प्लीज बता दो ना टॉप 4 कौन होने वाली है। दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा पीयूसी, प्लीज मैं नहीं दिखाऊंगा। भाई ये तो नहीं बताएंगे लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आज के मैच के लिए टीम बनाना मत भूलना, इंपॉर्टेंट मैच है। क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी अगर अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो और उस पे जाके आज के मैच के लिए ये वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, एंट्री फी बहुत कम है और विनिंग्स भी काफी अच्छी है। यहाँ A to Z ऐसे बहुत सारे कॉन्टेस्ट मिल जाएंगे जो तुम्हारी विनिंग्स के चांसेस बढ़ाएंगे। हर आईपीएल मैच में यहाँ पे एक फ्री कॉन्टेस्ट भी होता है जहाँ पे 20,000 रुपए जीतने का चांस है, ऐसे ही थोड़ी प्ले स्टोर पे हाईएस्ट रेटेड ऐप है
और इंडियाज इजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट फैंटेसी ऐप है और चिंता की बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स भी एकदम आराम से हो जाते हैं। यहाँ तुम्हें 1 करोड़ के सपने नहीं दिखाए जाते बल्कि एक्चुअली पैसे जीते जाते हैं, इसलिए डाउनलोड करना तो बनता है। और अगर मेरा कोड पाहुल यूज करके साइन अप करने वाले हो तो भाई तुम्हें एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। है ना बढ़िया सौदा, तो कर लेना डाउनलोड, मैं अपनी टीम एंड में तुम्हें दिखा दूंगा। बाकी कोई छोटे मोटे अपडेट्स होंगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे दे ही दूंगा। भाई पंजाब किंग्स 2008 से सेम है लीस्ट सक्सेसफुल टीम इन आईपीएल, जो 16 सालों में अभी तक सिर्फ 2 बारी क्वालिफाई हुई है। भाई गुजरात 2 साल में 2 बार हो गई यार। इस साल एक नया कैप्टन था, सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर भी था, उसके बावजूद भी वही हर साल का, तो थोड़े सवाल जवाब तो बनते हैं टीम के साथ। पहले तो ये बताया जाए कि क्या सिकंदर रजा ने धवन के साथ रील बनाने से मना कर दिया है जो उसको टीम में नहीं खिला रहे लोग, जबकि उस प्लेयर ने तुम्हें मैचेस जिताए हैं। भाई पंजाब सिकंदर रजा जैसे टैलेंटेड प्लेयर को बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। रजा को ड्रॉप करना अगर कम नहीं था तो उसकी जगह जो रबाड़ा को खिलाया उसके ओवर तक पूरे नहीं करे इन्होंने। और वो छोड़ो भाई, अर्शदीप सिंह के ओवर नहीं पूरे करे। नहीं माना पृथ्वी शॉ ने अर्शदीप को थोड़े रन मार दिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम डेथ बॉलिंग कहा उससे छीन लोगे। देखो हो सकता है कंफ्यूजन हो गई हो, लेकिन धवन भाई ये अर्शदीप है और ये हरप्रीत है, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? भाई सबसे बड़ा ब्लंडर जहां से पूरा मैच पलट गया पंजाब के लिए, रबाड़ा और अर्शदीप के होते हुए लास्ट ओवर हरप्रीत बरार से कराया जा रहा है। भाई इससे अच्छे डिसीजन तो स्कूल जाते सैम करन ने पंजाब के लिए लिए हुए यार। वन ऑफ द मोस्ट बिजार डिसीजन इन दिस सीजन सीरियसली। और जो इंडियन क्रिकेट देखते हैं उनको पता है अर्शदीप सिंह रायली रोस्सो को नाश्ते में खाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट एक बार भी बॉलिंग करने नहीं आया वो। और अथर्व का वो टैक्टिकल रिटायर्ड आउट बहुत ही अजीब डिसीजन था। मुझे खास इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो एक यंग प्लेयर है, अगर उसको आगे इंडियन टीम में खेलना है तो उसको इनिंग्स को एक्सेलरेट करना आना चाहिए। ऐसे डिसीजन से आई थिंक प्लेयर के कॉन्फिडेंस लेवल पे इफेक्ट पड़ता है, उसको कभी ये बिलीव ही नहीं हो पाएगा कि वो अच्छी फिनिशिंग भी कर सकता है। ऐसी बकचोदी ऐश अन्ना करे तो फिर भी सही लगती है, वरना तो सबकी फेल हो जाती है। धवन की कैप्टनसी इस सीजन के आईपीएल में इतनी खराब रही है, पक्का बता रहा हूं इस बार की आईपीएल अवार्ड्स की वीडियो में वर्स्ट कैप्टन का अवार्ड धवन या मार्करम में से कोई जीतने वाला है। देखो गलतियां हुई और धवन भाई ने बात मानी भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, बट स्टिल द डैमेज इज डन। अब पंजाब के लिए क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आई मीन अगर कोई पंजाब किंग्स का फैन है और उसको थोड़ी होप चाहिए तो भाई ये है तुम्हारे क्वालिफिकेशन के चांसेस। इससे अच्छा तो मैं बोलूंगा अब सीएसके को ही सपोर्ट कर लो, वैसे ही धोनी भाई का लास्ट सीजन है। मैं तो ये मानता हूं कि भाई सैम करन वाज अ वे बेटर कैप्टन देन शिखर धवन फॉर पंजाब दिस सीजन, बट अब हमें पता ही है भाई अगले साल ये फिर से रिफ्रेश मार देंगे और कोई ना कोई नया प्लेयर एक्सपेंसिव बना के फिर से ले आएंगे और एक कैप्टन ले आएंगे और फिर शायद हार जाए। दिल्ली की भी बात करनी है, छोड़ो यार गजब बेइज्जती है। देखो आरसीबी के लिए फंडा सिंपल है, 2 मैचेस बचे हैं, दोनों में से दोनों जीतने हैं। अब अगर ये मैच बाय चांस आरसीबी नहीं जीत पाती है तो मैंने बताया था सीएसके और लखनऊ क्वालिफाई हो जाएगी और फिर आई थिंक फोर्थ पोजीशन के लिए केकेआर आरसीबी पंजाब राजस्थान और मुंबई सारी टीम्स जा सकती है। तेरे गले में जो फंडा है ना वो सीधा जार के उस तरफ क्रॉस करके बमन के गले में, और मेरे गले में जो फंदा है ना वो झाड़ के उस तरफ क्रॉस करके सीधा रॉय के गले में। हम चारों में से कोई भी हिलाना तो चारों मारेंगे। बट उससे एक पॉसिबिलिटी आ जाती है कि हमें आरसीबी वर्सेस लखनऊ या फिर कोहली वर्सेस गंभीर फिर से देखने को मिल जाएगा। और मैं बता रहा हूँ सब पैसे का खेल है, टीआरपीस का खेल है, तो ये भी पॉसिबल है। बट इस बात से भी बुरा लगेगा कि अगर कोई टीम अच्छा खेल रही थी और डिजर्विंग थी वो आगे नहीं जाती तो फिर गलत है। बट हम तो क्या ही बोल सकते हैं, हम तो छोटे लोग हैं भाई, ये सब तो हम तो एंजॉय कर सकते हैं मैचेस। और अगर आरसीबी ये मैच जीत गई तो टॉप 4 में तो आ ही जाएगी, लेकिन क्वालिफायर 1 के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। खैर जो भी होगा, क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे मैंने अपनी टीम बना ली है। कैप्टनसी दे रहा हूँ अनुज रावत को और वाइस कैप्टनसी राहुल त्रिपाठी को, क्या पता फॉर्म वापस आ जाए। खैर जाते जाते बस आरसीबी फैंस को एक चीज बताना चाहूंगा कि हैदराबाद के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है और वो भी इंपॉर्टेंट मैचेस में, तो देखते हैं क्या होता है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर देना। मैं तो जा रहा हूं भाई मैनचेस्टर सिटी को सपोर्ट करने मैड्रिड के अगेंस्ट, और तुम लोग मुंबई और लखनऊ वाली वीडियो देख लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। Get the fuck out of here!